अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 53। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू एडिट पॉली लाइन और हाउ टू एडिट स्पेल लाइन। स्पेल लाइन और पॉली लाइन को आप एडिट किस तरह करते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन एडिशन किस तरह करते हैं, और ये दोनों कमांड्स भी इससे पहले जो हमने से पहले लेसन नंबर 52 और 51 जो किया था, और उसमें भी हमने कुछ नई कमांड्स के ऊपर डिस्कस किया था जो कि आपके ऑटोकैड 2007 में नहीं थी, और जबकि वो ऑटोकैड 2015 में नई इंट्रोड्यूस हुई हैं कमांड्स, और मे बी कि ऑटोकैड 2013 में भी ये कमांड हैं, 14 में भी हैं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2015 कर रहा हूँ तो 15 में ये कमांड्स इंट्रोड्यूस हुई हैं और ऑटोकैड 2007 में ये कमांड नहीं थी। तो ये भी कुछ प्रोफेशनल कमांड्स हैं और बहुत अच्छी कमांड्स हैं जो कि आपकी पॉली लाइन और स्पेल लाइन में एडिटिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करती हैं। तो इन लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया और यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉली लाइन को ड्रॉ करता हूँ, पॉली लाइन को ड्रॉ किया। पॉली लाइन की शॉर्ट कमांड जो वो पी एल है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि हमने ये कमांड्स की हैं, और सेट स्पेस ए स्पेस करके मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं आज। तो उसके लिए मॉडिफाई में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एडिट पॉली लाइन लिखा हुआ होगा, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है अभी एडिट पॉली लाइन, आई थिंक मॉडिफाई में इसमें क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मॉडिफाई में है अभी कि नहीं। तो मॉडिफाई में आपके पास फिलेट है और ब्लेंड है, थ्री डी ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे मॉडिफाई में, आपके पास मेन्यू में आपके पास ये कमांड नहीं है। ओके अच्छा, मैं यहाँ पे अब मैं पॉली लाइन के लिए मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई पैनल पे क्लिक करता हूँ, एडिट पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ। कहना जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शंस अप्लाई होंगे, ओपन होंगे, जिनमें क्लोज, जॉइन, विड्थ, एडिट वर्टेक्स, फिट, स्पेल लाइन और डिकर्व, एल टाइप, रिवर्स एंड अंडू के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शंस में क्या क्या होता है, इसके लिए आपने क्लोज, जॉइन, विड्थ ये सारी कमांड्स आपने की हुई भी हैं यहाँ पे पॉली लाइन में, तो मैं कुछ ऑप्शन अप्लाई करता हूँ इसमें। अब इस ऑप्शन में क्लोज, तो क्लोज का फंक्शन ये होता है कि आपकी कमांड्स का जो एंड पॉइंट ये वाला है और फर्स्ट पॉइंट ये जो है, इन दोनों को मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ आपस में, तो उसके लिए मैं सी एंटर करूँगा, सी एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लोज हो गया ऑब्जेक्ट। क्लोज होने के बाद मैं अब इसे अगर मैं प्रेस करता हूँ एंटर, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी ये कमांड अप्लाई हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस करके वो बताता हूँ, देखिए कमांड अप्लाई हो गई, क्लोज हो गई है। और अगर मैं इसको दोबारा अंडू करना चाहता तो मैं उसके लिए मैं यू प्रेस करता, अगर मैंने अंडू से करना अंडू करनी करना चाहूँ तो मैं उसके लिए यू प्रेस करूंगा, और अगर आप इसको कॉर्नर को जोड़ना नहीं चाह रहे तो सिर्फ आप एंटर प्रेस कर लें, और अगर रिवर्स सेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसको अंडू प्रेस करें। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ तो क्लोज के लिए सी एंटर करता हूँ, देखिए क्लोज हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लोज ना हो, वापस अपनी पोजिशन पर आ जाए, तो यू एंटर करता हूँ, देखिए वापस अपनी पोजिशन में आ गया। ज्वाइन का फंक्शन मैं समझाऊंगा क्योंकि ज्वाइन पॉली लाइन को ज्वाइन करने के लिए नहीं, लेकिन अगर आप लाइन है आपके पास, आपने काफ़ी सारी लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो आप उन सब लाइन को ज्वाइन करना चाह रहे हो, उन लाइन को आप पॉली लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ज्वाइन कमांड यूज़ करोगे। विड्थ की मैं देखता हूँ विड्थ का क्या फंक्शन है, डब्ल्यू एंटर करता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई न्यू विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट्स, तो मैं नई विड्थ देता हूँ इसको, मैं इसको देता हूँ नई विड्थ देता हूँ जी 1 फिट, एंटर करता हूँ, तो देखिए ऐसी विड्थ बढ़ गई है। विड्थ ख़त्म करना चाह रहे हैं तो दोबारा आप डब्ल्यू एंटर करें, 0 फिट 0 इंच करें, तो नॉर्मल आपकी विड्थ आ जाएगी।
फिट करते हैं, स्पेल लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्पेल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल टाइप आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप एल एंटर करें। अब आपको टाइप कह रहा है एंटर पॉलीलाइन लाइन टाइप जनरेशन ऑप्शन, यस ऑन करता हूं मैं इसको। अब मैंने ऑन जब किया इसका ऑप्शन तो अब मेरे पास इसकी लाइन की टाइप चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप एल टाइप एंटर करें और इसको ऑफ कर दें। अब ये लाइन टाइप के ऑप्शन क्या है आप बस यहाँ पे लाइन टाइप दी हुई आप देख सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल लाइन देता हूँ, एल एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से इसका मैं साइज बढ़ाता हूँ देख सकते हैं, फिर मैं एल एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इसका साइज नहीं बढ़ा और ना ही इसका साइज चेंज हुआ है, ना ही स्टाइल इसका चेंज हुआ है। तो अब इसको सही चेंज करने के लिए इसकी लाइन टाइप का जो ऑन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसे ऑन करने के लिए क्या तरीका है वो मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। तो लाइन टाइप और लाइन स्टाइल में यहाँ से चेंज करता हूँ, गैस वाला स्टाइल देता हूँ इसी इसी ऑब्जेक्ट इसी लाइन को, तो ये दोनों लाइन स्टाइल मैंने चेंज कर दिए। अब मैं ये लाइन स्टाइल और ये सारे इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ से दोबारा मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और एडिट पॉलीलाइन पे क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अब मैं इसकी लाइन टाइप चेंज जनरेट करना चाह रहा हूँ तो एल एंटर करता हूँ और इसको ऑन करूँगा एंटर। अब जब मैं पॉलीलाइन एंटर करता हूँ पी एल एंटर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी गैस लिखा हुआ आ गया नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे देखें वो लाइन टाइप जो वो क्या हो गया बस यहाँ पे ऑन हो गया और यहाँ पे गैस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जी आप ही लाइन टाइप को एक्टिव करने का फ़ायदा। नहीं आप एक्टिव करना चाह रहे तो आप उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा मॉडिफाई में जाएंगे और उसको ऑफ कर दें, मॉडिफाई लाइन टाइप एल एंटर, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। ओके अगर कर्व दी भी आपने अपनी पॉली लाइन में उस कर्व को ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए डी कर्व अप्लाई करेंगे, तो मेरे कर्व नहीं दी हुई, रिवर्स का ऑप्शन मैंने पिछली आपको कमांड में बताया था रिवर्स का ऑप्शन, तो ये ज्वाइन वेट क्लोज क्लोज के लिए सी एंटर कर दें और ज्वाइन का क्या फंक्शन है भी आपको बताता हूँ, सी के क्लोज एंटर, और अब ज्वाइन का फंक्शन समझाता हूँ आपको ज्वाइन का क्या फंक्शन है। तो उसके लिए मैं एक लाइन लेता हूँ एल एंटर करता हूँ, अब ये देखें काफ़ी सारी लाइन्स हैं 1 2, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ यही सिलेक्ट हो रही है और लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही, तो इन सब लाइन को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ पॉली लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट पॉली लाइन पे क्लिक करेंगे, अपने इन लाइन्स को सिलेक्ट करें डू यू वॉन्ट टू टर्न ऑन, आप चाहते हैं कि इसकी जो कमांड्स के जो एरिया था वो हमारे पास टर्न ऑन हो जाए, तो आप वाई एंटर यस करें। अब यहाँ पे देखें तो ज्वाइन का ऑप्शन अप्लाई करें जे एंटर और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और एंटर कर दें, तो आप देखें यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी लाइन क्या होगी ज्वाइन होगी। तो ये था जी ज्वाइन का फंक्शन और पॉली लाइन के फंक्शन। अब स्पेल लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो स्पेल लाइन के लिए मैं स्पेल लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्पेल लाइन के भी वही ऑप्शन है। अब स्पेल लाइन के लिए आप मॉडिफाई पे क्लिक करें और स्पेल लाइन एडिट पे क्लिक करें, क्लिक क्या बने इसमें भी देखें वही फंक्शन दे रहा है क्लोज जॉइन, उसके बाद फिट डेटा एडिट कन्वर्ट टू पॉली लाइन, पॉली लाइन में से कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और रिवर्स का अंडू का ऑप्शन क्लोज का ऑप्शन पहले अप्लाई करता हूँ सी एंटर करता हूँ, तो इसके देखें दोनों कॉर्नर आपस में क्लोज हो गए। आप एग्जिट के लिए एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि एग्जिट का आप देखें तो आपके पास एक्स कैपिटल लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेस करेंगे तो ये एग्जिट आप इस कमांड से बाहर निकल जाएंगे देख सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो गया देख सकते हैं। इसी को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहें या फिर और काम करना चाहें तो उसके लिए आप दोबारा इसी कमांड को अप्लाई करें, ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, एडिट करना चाहें कन्वर्ट पॉलीलाइन तो को पॉलीलाइन के लिए पी एंटर करेंगे
और ये आपकी ऑटोमेटिकली पोलैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, प्रॉपर्टीज में देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, तो आप देखें यहाँ पे आपको दे रहे प्रॉपर्टी में कौन सी लाइन है जी, पॉली लाइन है, देख सकते हैं। अब इसी पॉली लाइन को कन्वर्ट करते हैं कर्व में, तो पॉली लाइन को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे एडिट पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ, और अब इसको स्पेल लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं एस एंटर करता हूँ। अब मैं इसको जब सिलेक्ट करूँगा तब देखें 2D पॉली लाइन हमारे पास यहाँ पे देखें आ गई है, और इसको स्पेल लाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब इसी तरह मैं अगर स्पेल लाइन अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे स्पेल लाइन एक्टिव करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, स्पेल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको देखें यहाँ पे ये यह बता रहा है आपको कि कौन सी लाइन है, स्पेल लाइन है। अब इसी की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं हम, तो आपको ये फिर पॉली लाइन बता देगा। आप इसी को कन्वर्ट पॉली लाइन करना चाहें तो पी एंटर करेंगे और सिलेक्ट करें, पॉली लाइन देख सकते हैं आपको बता रहे हैं ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, और इसको भी जोड़ना चाहें तो जोड़ने के लिए आप पहले एंटर करें, आर के लिए एंटर करें, मैं पहले फर्स्ट पॉइंट तक लेके जाता हूँ, पी एल एंटर, आर के लिए एंटर, अब इसको सिलेक्ट करें तो ये कौन सी कमांड है जी, पॉली लाइन है, पॉली लाइन। अब इसी पॉली लाइन को कन्वर्ट करना चाहें आप तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेल लाइन में, और अगर ये आपके पास अलग अलग से लाइन है तो आप लाइन एल एंटर करते हैं, एल एंटर किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, अब ये लाइन है, आप इसको स्पेल लाइन के थ्रू जोड़ना चाहें सबको तो आप उसके लिए आप स्पेल लाइन पे क्लिक करके उसे जोड़ सकते हैं, एडिट स्पेल लाइन सेलेक्ट किया आप। बल्कि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्पेल लाइन के लिए सिर्फ काम करेगा। तो ये था जी स्पेल लाइन और अपने स्पेल लाइन और पॉली लाइन को आप कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।